Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Students, अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि गॉफ माइनस 5/4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जी एफ माइनस 5/4 एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर है और जी एक्स मॉडुलस फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो जो एफ माइनस 5/4 है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आएगी माइनस 5/4 और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स होगी माइनस 2। अब एफ माइनस 5/4 के प्लस पे स्टूडेंट्स हम रख देंगे माइनस 2 तो जी माइनस 2 हमारा स्टूडेंट्स आएगा मॉडुलस ऑफ माइनस 2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 तो स्टूडेंट्स 2 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट क्या कह रहा है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 इज गिवन। तो ये स्टूडेंट एक्स बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूस है और के की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 जब कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर एफ ए होता है स्टूडेंट्स तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। अब स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है। अब इसको स्टूडेंट्स इसके फैक्टर कर दीजिए तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल होगा किसके के। अब इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो स्टूडेंट्स ये आ गया के इज इक्वल टू 2 तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 1 2 2 1 एक ये मैट्रिक्स है और ये स्टूडेंट एक्स वाई है इसकी वैल्यू जो है 5 4 इस तरीके से दी गई है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर 2 by 2 है स्टूडेंट उसका ऑर्डर 2 by 1 है तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर वो हमें स्टूडेंट्स मिलेगा 2 by 1 का चूँकि इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होना चाहिए तो इसका कॉलम और इसकी रो ये दोनों इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो जब स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस 2 y और ये आएगा 2x + y इक्वल टू 5 4। अब स्टूडेंट्स दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी इक्वल होती हैं तो अब स्टूडेंट इसमें आपका क्या हो जाएगा ये आ जाएगा कि x प्लस 2 y इक्वल टू 5 और 2x + y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले वाले इक्वेशन में 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x + 4 y इज इक्वल टू 10 और 2x + y इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस माइनस तो स्टूडेंट्स 3 y इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 आएगा तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू जो आपकी हो गई वो 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि इफ टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इतने एट द पॉइंट इतने पैरेलल टू द लाइन इतने तो स्टूडेंट्स ये कर्व की जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है इसलिए स्टूडेंट दोनों का डी वाई अपॉन डी एक्स हम फाइंड कर लेंगे तो स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर प्लस 3x - 7 इज इक्वल टू 0 तो इसका स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन कर दें हम तो ये आ जाएगा 2y dy अपॉन dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0
तो स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू वाई। अब ये निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स हमें इस पर पॉइंट पर, तो ये स्टूडेंट माइनस थ्री अपॉन टू के आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका तो इसका ये टेंजेंट हो गया। अब जो दूसरी लाइन है एक्स माइनस वाई इजिकल टू फोर स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइन है इस लाइन, ये टेंजेंट जो है कर्व की टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो स्टूडेंट्स इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, इसका भी डी वाई अपॉन डी एक्स कर दीजिए, तो वन माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू जीरो, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स वन आएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो माइनस थ्री अपॉन टू के इजिकल टू वन, तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस थ्री अपॉन टू, के की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी माइनस थ्री अपॉन टू, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में एक क्वेश्चन और में इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें देखिए क्या है स्टूडेंट कि फॉर द कर्व वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस टू एक्स क्यूब इफ एक्स इंक्रीजेज, अब एक्स जो इंक्रीज करता है वो टू मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट्स, या टू यूनिट पर सेकेंड से ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट इसका और है, ये इसका मतलब है कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये दिया है टू मीटर पर सेकेंड, और ये स्टूडेंट्स वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है वो एक्स इज इक्वल टू थ्री पर, तो द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग एट, तो इस जो कर्व का स्लोप है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। अब स्टूडेंट इसमें जो कर्व दिया है वो y इज इक्वल टू दिया है फाइव एक्स माइनस टू एक्स क्यू, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आएगा फाइव माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स इसका। अब इसमें स्टूडेंट्स होगा क्या कि इसमें जो चेंज है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो इसी का जो है हम स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी एक्स का डी अपॉन डी टी निकाल देंगे, तो जब इसका निकालेंगे तो फाइव कॉन्स्टेंट इसका इसलिए ज़ीरो हो गया, और इसका आएगा माइनस ट्वेल्व एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब स्टूडेंट माइनस ट्वेल्व और एक्स की वैल्यू थ्री दी गई, और स्टूडेंट डी एक्स अपॉन डी टी की ये वैल्यू दी गई है आपकी कितनी टू, तो इसमें रख दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 72 मीटर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज होगी, चूँकि स्टूडेंट आंसर किस में आया माइनस में आया, इसलिए रेट क्या होगा डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है स्टूडेंट्स कि द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ टू आई माइनस जे प्लस के ऑन इतने, तो हमें प्रोजेक्शन निकालना है स्टूडेंट्स ए ऑन बी, तो स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्शन होता है का एक फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट्स, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो स्टूडेंट जिस पर ऑन लगा होता है उस पर हम कैप कैलकुलेट कर दें, यानी वेक्टर ए इंटू बी कैप हमें कैलकुलेट करना है। कभी भी प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आए तो इससे आइडेंटिफाई करिए जिस पे ऑन लगा है, ए ऑन बी, तो ऑन वाले पे हम बी कैप फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स ए की जो वैल्यू है वो आपकी दी गई है 2i माइनस जे प्लस के कैप, और जो b की वैल्यू है स्टूडेंट वो i माइनस 2j प्लस 2k कैप। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स b कैप क्या होगा, b कैप होता है वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, b की वैल्यू आपकी ये दी है i माइनस 2j प्लस 2k कैप। अब स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 1 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा रूट में 9 आ जाएगा आपका। अब स्टूडेंट्स वेक्टर a इंटू b कैप की जो वैल्यू होगी वो होगी 2i माइनस j कैप प्लस k कैप, और i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन, ये आ जाएगा स्टूडेंट रूट 9।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 + 2 + 2 अपॉन स्टूडेंट 3, तो ये 6 / 3, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, 15। अब इसमें स्टूडेंट 15 क्वेश्चन में देखिए आप लोग, ये देखिए 15 क्वेश्चन में ये था आपको प्रोजेक्शन। अब स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इतने, तो जब स्टूडेंट्स इस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में हमें निकालना है तो इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इतने, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 हो और वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इस क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका। तो अब इसको स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये देखिए इसका और 15 का, तो ये हमें स्टूडेंट्स जो फाइंड करना है, तो -5 इंटू ए कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें दिया है और जो वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्या होगी, ए कैप होगी। अब स्टूडेंट्स जो ये वेक्टर हमें दिया गया है, यानी ए इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है 2i + 3j - 6k, स्टूडेंट इसी की अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में करना था, इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर -5 लगा दिया। अब स्टूडेंट इसका ए कैप निकाल दीजिए, तो 2i + 3j + -6k, तो इसका जब निकालेंगे कैप तो ये आए इतना अपॉन, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 36, तो इतने अपॉन 7 आ जाएगा स्टूडेंट। तो -5 2i + 3j - 6k कैप अपॉन स्टूडेंट 7, तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, यही इस क्वेश्चन का इसके और का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।